टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। तो दिन के बजे हैं 2 और इस टाइम हुई है मेरी सुबह। मुँह हाथ मैंने धो लिया है और आज मैंने नाश्ता सुबह ही कर लिया हस्बैंड के साथ, सॉरी हस्बैंड के जाने के बाद मैंने आज नाश्ता कर लिया था जल्दी। और आज की जितनी भी रूटीन होगी मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आज मैं क्या बनाने लगी हूँ ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें और शेयर करें। और आज मेरे हस्बैंड के रिलेटिव आ रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, तो उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाने हैं। और कौन है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि आज कौन आ रहा है हमारे घर में। तो चलें मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ, फिर आप जो मैं बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे सारे काम हो चुके हैं, सारी सफाई हो गई है, बेडरूम की सफाई हो गई है और किचन की भी सफाई हो गई है सारी। और मैंने साथ चढ़ा दिया, आज मैं बना रही हूँ बीफ का पुलाव, उसकी मैंने यखनी चढ़ा दी है। और अब्बू के कमरे की भी सफाई हो गई है, सारा कुछ हो गया है, बस अब क्या कहते हैं मैं खाना खाऊंगी। कल रात जो मैंने चावल बनाए थे तो थोड़े बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी खा लेती हूँ, थोड़ी सी भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। बहुत सारी सफाई हो चुकी है मेरी, बस अब खाने में बनाऊंगी मैं आज बीफ का पुलाव और चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई तो मैं तब बनाऊंगी जब अप्पू शाम में आएंगे, आज जॉब से जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आज सैटरडे वाले दिन अप्पू जल्दी आ जाते हैं जॉब से, तो वो साथ लेके आएंगे अपने चिकन। तो फिर इस वक्त मैं तो फिर मैं साथ जब जैसे ही लेके आएंगे मैं फ़ौरन वॉश करूँगी उसे, वॉश करने के बाद फ़ौरन ही बना दूँगी। अब पता नहीं मैं तैयार करके अपना सब कुछ रखूँगी, पता नहीं वो लोग कब तक आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने काम सारे रेडी करके रखूँगी, फिर मतलब कोई जल्दी हबड़ दबड़ नहीं होगी मुझे क्योंकि सब कुछ अकेले करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ अपना सारा काम पहले से रेडी करके रखूँगी, अब फिर बेशक वो जितनी देर से आए या जितनी जल्दी आए अपना काम रेडी रहेगा। जैसे ही आएंगी फिर मैं खाना छाना लगा दूँगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। शाम के बज गए हैं 6 और अब्बू अभी तक नहीं आए, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाएं तो मैं अपने काम स्टार्ट करूँ, पता नहीं क्यों आज देर हो गई है कर रही हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। मेरी अभी तो तैयार है बन के, इतनी तैयार हो चुकी है, बस अब्बू का इंतज़ार है। लाइट ऑन कर देती हूँ, मगरिब का टाइम हो गया है। जी वर्ड फाइनली हमारे मेहमान आ चुके हैं और ये देखें दाल चिकन पुलाव बन के तैयार है और ये चिकन कढ़ाई, साथ रोटी भी ले आए हैं, इसको मैं रख देती हूँ। मैंने सब अच्छे से हो गया, खाना वाना सबने खा लिया है, मेरे बर्तन भी सारे धो लिए, सारी किचन की क्लीनिंग कर ली है, साथ चाय चढ़ा दी है, बस ये आखिरी काम है, फिर देखते हैं शायद मेहमान आज हमारे घर पे रुके। और तो ये बताना भूल गई कौन मेहमान आया हमारे घर में। हमारे घर में आए आज मेरे हस्बैंड की दाई अम्मी और उनकी कज़न आई है, तो बस चाय निकाल लिए, चाय निकालने के बाद फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। कल मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।